इस समय मौजूद हैं अड़वाड़ ग्राम पंचायत के सुंडी गांव में। यह गांव पार्वती नदी से चारों ओर से घिरा हुआ है, इस वजह से बारिश के सीजन में इस गांव का संपर्क कट जाता है, ये गांव टापू बन जाता है। इसके साथ ही यहां पर समस्याओं का अंबार है, लोगों को अपनी जान में जोखिम में डाल करके नदी पार करनी पड़ती है, क्योंकि नदी में मगरमच्छ का भी खतरा रहता है। यहाँ के जो रास्ते हैं कीचड़ से सने हुए हैं, इस वजह से नदी पार करने के बाद भी लोगों को कीचड़ से सने हुए रास्तों से गुजरना पड़ता है। खासी दिक्कत इस गांव में बनी हुई है, इस वजह से कोई भी ग्रामीण अपनी बेटी को इस गांव में ब्याहने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ के जो कवारों की संख्या है वो लगातार बढ़ रही है, इसे लेकर के कवारों की समस्या भी, चिंता भी बढ़ रही है। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं ग्रामीण, इनसे चर्चा करेंगे किस तरह के हालात यहाँ पे हैं और क्या कुछ दिक्कतें हैं। भैया क्या नाम है आपका? गिरिराज। गिरिराज बताएंगे कब से समस्या है आपके यहाँ? काफी टाइम से समस्या है। काफी टाइम से क्या कुछ समाधान कर रहा है प्रशासन? लंबे समय से केवल आश्वासन ही मिल रहे हैं या कुछ हो रहा है? नहीं, लंबे समय से तो आश्वासन ही मिल रहा है, लेकिन अब तो विस्थापन दे दिया हमें वहाँ बिटलपुर गाँव में, और प्लॉट भी काट दिए, कुछ लोगों की टपरी भी बन गई और कुछ लोगों को उसमें छोड़ दिया, जैसे 15-20 परिवार रह गया है उनको छोड़ दिया गया वहाँ पे। उनके लिए कुछ मांग होगी आपकी? हाँ, उनके लिए मांग है हमारे, हमने कलेक्टर साहब को भी ज्ञापन दिया है कल जाके वहाँ। यहाँ जो कबारों की संख्या है कितनी होगी अभी? है 30-35 लोगों के लमसम थे। शादी नहीं होती? नहीं, नहीं होती। क्या दिक्कत आती है? शादी की यही दिक्कत आती है, कोई रिश्तेदार आता है तो नदी को देख के लौट जाते हैं सब वापिस। देखिए इनका यही कहना है कि नदी को देख करके लोग लौट जाते हैं। आप बताएंगे भैया कबारों को क्यों शादी नहीं होती यहाँ पर? अच्छी खासी जमीनें हैं यहाँ पर, सभी के पास ट्रैक्टर और बाइकें हैं, फिर भी दिक्कत आ रही है। ये बाढ़ की वजह से, नदी के घेरा उसके वजह से बाहर से जो आते हैं रिश्तेदार उनको देख के वहाँ से वापसी रिटिंग हो जाते हैं, इस वजह से दिक्कत आती है। इस वजह से दिक्कत आती है। तो अब प्रशासन यहाँ पर जो विस्थापन की बात कर रहे हैं, तो फिर क्या लग रहा है आपको, फिर समस्या दूर होगी? नहीं, अब वैसे तो अब दूर होगी, पहले तो झूठा आश्वासन दे रहा करते थे, अब तो कर दिया। उम्मीद है, न्यूज 18 ने भी खबर दिखाई थी इस मामले को लेकर के, उसके दिखाई ने उसको भी दिखाई है सबको। तो देखिए यहाँ पर लोगों का यही कहना है कि जो सुंडी गांव वो टापू बन जाता है, नदी से घिरा हुआ है, इस वजह से यहाँ पर लोग अपनी बेटी ब्याहना नहीं चाहते। आप बताएंगी क्या कुछ दिक्कतें हैं, क्या कुछ हालात हैं यहाँ पर? दिक्कत है, रास्ता की भी दिक्कत है, नंदी की भी दिक्कत है, कोई बीमार पड़ जाता है तो हम सुई भी दुआ नहीं सकता है, बरसात में चाय शक्कर भी नहीं आ सकती है, भयंकर दिक्कत आती है, बरसात में ज्यादा आती है, जैसा भी डर जाता है, कोई भी लड़की नहीं देता है, क्योंकि पहले का आदमी तो अनजान यहाँ दे दिया, अब का लड़का थोड़ा होशियार हो गया, पाचे वाला रिश्ता नहीं करवा देता, तब हमने बहुत कर भयंकर परेशानी आती है इस गांव में। अब क्या मांगे आपकी? अब जल्दी से जल्दी हमारा नई बसापत ने शुरू करे, हमको आवास मिले, मकान बने और माँ से काटा जाए। तो देखो लोगों का यही कहना है, महिलाएं भी लगातार परेशान है, इन्हें भी लंबे समय से इन समस्याओं से जूझना पड़ रहा है, और इसी को लेकर के वो लगातार मांग कर रही है कि उन्हें विस्थापित किया जाए, दूसरी जगह मकान बनाए जाए, ताकि उन्हें हर साल ये आफत नहीं झेलनी पड़े। और भी हमारे साथ मौजूद है भैया, आप बताएंगे, आप यहाँ लगे हुए गांव से हैं, आप बताएंगे किस तरह की दिक्कत है? अड़वाड़ के हैं। आप बताएंगे भैया, यहाँ स्कूल 5वीं तक है। देखिए युवाओं का भी यहाँ पर दिक्कत है, इसके साथ में जो बच्चे हैं प्राथमिक स्कूल तक तो यहाँ पर है, इस वजह से प्राथमिक जो शिक्षा है वो तो गाँव में ही बच्चे हासिल कर लेते हैं, लेकिन जो मिडिल और हाई हायर सेकेंडरी स्कूल है वो यहाँ पर नहीं है, इस वजह से लोगों को और बच्चों को खासी दिक्कतें होती हैं। कई बच्चे तो बाहर जाने के डर से, बाढ़ के खतरे के डर से आगे की पढ़ाई नहीं कर पाते, और गांव में ही खेतीबाड़ी उन्हें करना पड़ता है, इस वजह से भी काफी दिक्कतें यहाँ पर होती है। आप बताएंगे भैया किस तरह के हालात हैं यहाँ पर? रास्तों पर कीचड़ कीचड़ दिख रहा है यहाँ, तो क्या कुछ दिक्कत आती है आप लोगों को, कैसे मतलब कीचड़ से होके गुजरते हो रोजाना? जब कोई बीमार हो जाता है तो फिर कैसे निकालते हो? नाव में निकालना पड़ता है, नदी में तो नाव भी नहीं, प्रशासन नाव नहीं दिया अभी। हाँ, प्रशासन ने नाव नहीं दी, दिक्कत आती है। दिक्कत आती है भैया, आप बताएंगे किस तरह की दिक्कत यहाँ पर, जब कोई बीमार हो जाता है या कोई प्रेग्नेंट महिला होती है तो कैसे अस्पताल ले जाते हैं? नाव से उतारते हैं सर, इनसे नाव से मगरमच्छ का खतरा भी रहता है, मगरमच्छ का खतरा रहता खतरा रहता है। कई बार यहाँ पर ऐसे कोई घटना भी हुई होगी मगरमच्छ ने पकड़ लेते जानवरों को, तो देखिए यहाँ पर ये केवल एक ही आपत नहीं है, नदी के अलावा मगरमच्छ का भी यहाँ पर खतरा रहता है, इस वजह से जो लोग हैं जब नदी का जल स्तर बढ़ता है तो गांव से बाहर नहीं जा पाते हैं। और प्रशासन की नाव की बात करें तो प्रशासन की बोट भी आपात स्थिति में डलती है, तब ग्रामीणों को जब रेस्क्यू करना होता है तब यहाँ पर प्रशासन की बोट पहुँचती है, तब तक लोग जो बीमार है उन्हें खासी दिक्कतें यहाँ पर उठानी पड़ती है, और वर्षों से ये समस्या चली आ रही है, जिसके समाधान के लिए प्रशासन
पहल कर रहा है और अब इनको दूसरी जगह पर विस्थापन करने की जो बात है वो चल रही है, जमीन आवंटन की जा रही है। लेकिन जब तक ग्रामीण परेशान है, बारिश का सीजन उन्हें इसी गांव में गुजारना पड़ेगा, ऐसे में अगर बाढ़ आई तो उन्हें खतरा भी हो सकता है। दीपक गंडोतिया, न्यूज 18 श्योपुर।